अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मॉर्निंग पाकिस्तान से हैं आप लोग। हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। और आज क्या दिन है? जी हाँ, आज है वेनसडे और एवरी वेनसडे हम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करते हैं गीतों के रंग सभी के संग। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड, वो पुरानी यादें, वो पुराने सॉन्ग और वो पुरानी मूवीज यानी कि फिल्मों की बात करते हैं। और आपकी सबसे इस प्रोग्राम की खसूसियत और खूबसूरती ये है कि आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम को चार चांद लगा लेती हैं। और मैं अपने तमाम कॉलर्स का शुक्रिया करती हूँ। और देखती हूँ आज मुझसे कोई गलत है कि जिन तमाम कॉलर्स को मैं यूं कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं आपसे माजरत चाहूंगी। जी हाँ, पिंडी से हमारा गुलाम अब्बास साहब, और मैं कहूंगी यार प्लीज अगर कोई नाम यहाँ पर आपके जहन में आ रहा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा क्योंकि बहुत करीब है। यस, यू नो अबाउट। अच्छा जी, और जी निदा है लाहौर से, मैं बहुत आपको भी ईद मुबारक निदा मेरी जान, कैसे हो आप। एंड जीशांत बटेक सिंह से, और हमारे साथ जवेरिया जो है वो पिंड इस्लामाबाद से, वो हो गया गुलाम अब्बास साहब हो गए। और हैदराबाद से भी हमारी प्यारी बहन, नाम भूल गई, कराची से जवेरिया, एंड 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 और कौन, और खाना दस्तगीर कराची से। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हैं हैदराबाद, कराची, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अगर मैं नाम मिस कर रही हूँ तो उसके लिए बहुत माजरत, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आ जाएं फौरन कॉल पे आ जाइएगा। और जी, आपने मुझे पाकिस्तानी मूवीज के गाने पुरानिया खानम के, वही के, और जी हाँ हमारी पंजाबी मूवीज के जी गाना मुझे याद आ रहा है। ऐसी मैं अभी सुन रही थी मेकअप करते हुए, और एक हमारे जो है नए हमारे गेस्ट हैं वो करते करते मेरे रूम में चले गए ना ऊपर, तो मैं बड़े मजे से गाना सुन रही थी। आशिका तो सोना मुखड़ा लुकाने ले, सजना ने बुए अग छिकताने ले। जी हाँ, बड़ा मजा आ रहा था, तो एकदम सरप्राइज वो इंटरव्यू मारे, मैंने कहा जी सर, अरे वो आप कहाँ ऊपर आ गए, नीचे वाला फ्लोर है हमारे स्टूडियो। अच्छा, मैं बड़ी लाइवली बात करती हूँ, नॉट स्क्रिप्टेड ना, तो जो होता है वो मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ, बड़ा मजा आता है। चलिए जी, हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि मैं खुद ही बगैर, आवाज़ तो इतनी प्यारी नहीं है लेकिन वो ऐसे मैं गाने गाने लग जाती हूँ। लेकिन अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। मेहमान कह रहे हैं हमें क्यों बुलाया भाई, जब खुद गाने गाने हैं तो। आप लोगों ने भी गाने की खूबसूरत आवाज सुननी है, हमारे साथ यहाँ पर चीफ रखते हैं वो पर आ जाएं जी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक ऐसे सिंगर जो जब हमने स्टार्ट किया तो वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और वो हैं खूबसूरत और दुखी आवाज उनको मैं अक्सर कहती हूँ आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, छेड़ती हूँ मैं उनको जी। हमारे साथ लतीफ राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे लतीफ साहब? आपने मुझे दुखी का खिताब दिया, दुखी दास। अरे शायरों के आगे भी एक छोटा सा उनका तो होता है, लगता है ना उसे क्या कहते हैं पता नहीं, कुछ पता नहीं, छोड़े यार हमारा अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना। अच्छा जी, खास एक इंडोर्स किया जाता है वो नाम से मुखातबत में, कहीं ना कहीं खूबसूरत नाम। अच्छा जी, एक और इनके बराबर में तशरीफ रखते हैं, मैं इस कैमरे पे आ गई, सॉरी मुझे कुछ गाइड लेन अगर जाहिद भाई जरा करें तो मैं कहीं इधर उधर तो नहीं देख रही। हाँ जी, सही जा रही हूँ, ओके गुड है। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में हमारे प्यारे से मेहमान, फर्स्ट टाइम इन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनसे मेरी गुफ्तगू रहती है, लेकिन आज उनको मैंने अपने प्रोग्राम में मधु किया और वो बहुत खूबसूरत आवाज रखते हैं जी, हैं काशिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, माइक कहाँ है आपका? ये आ गया जी, दैट्स गुड, वेलकम सर आपको, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन अ शो, आप मेरे प्रोग्राम में आए मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तैयारी फुल है जी? बिल्कुल तैयारी, आए क्या बात है जी, क्या बात है, आज कुछ नीले शीले हो गए असी दो में, एक दो तीन थोड़ा थोड़ा नीला टच है। और ये है हमारे दुश्मन, नहीं नहीं सॉरी, हमारे मेहमान, और बड़ी प्यारी आवाज़, नो डाउट बिजनेस मैन है लेकिन आवाज़ की एक इनका शौक, इनका पैशन है, और वो है हमारे साथ काजी नो और सबसे बेहतरीन काम है सोना सोना सोना
और मैंने कोशिश की थी कि गोल्ड की कीमत बढ़ जाए, सोना सोना, बट पता नहीं ये सोने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, ऐवें बस रेस्ट ही मिला मुझे। लेट्स सी, लेकिन आप सब लोगों को ईद मुबारक, और वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त मेरा लाइव शो देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर, उन सबको ईद मुबारक। और आप लोग रेडी हो जाएं, PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ का जादू जगा सकते हैं, क्योंकि ये है क्या है, गीतों के रंग सभी के संग, और मेरे मेहमानों के संग, और आपकी कॉल के संग, आपकी मोहब्बतों के संग। जी आज मैं अनुमान साहब, ईद कैसे गुजरी आप ये बताइए। ईद इस दफा गर्मी और मसरूफियत का एक ऐसा के समझ में ही नहीं आया कि कौन सा दिन ईद का है, कब कब बाहर निकले और कब मंडी जाएं और कब घर पे रहें। सो एज यूजुअल इस दफा मंडी भी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी थी, जो कि सब लोग जो है वो छोड़े यार, ये कॉमन सी बातें मत किया करें, मुझे बताएं गिरी वो हमेशा। अच्छा, बकरों के ऊपर भी बड़ा गाना बना है ना, बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने देखा है कि वो कुर्बानी, अभी मैं सुन रही थी लेकिन वो मुनासिब नहीं था, मैंने कहा हम लोग कुछ और प्रोग्राम करते हैं, तो वो कॉमेडी में आ जाता है, बकरों के ऊपर भी बड़ा, मंडी पे बड़ा गाना बना। अच्छा एक लतीफ साहब, आपको मैंने अभी जरा सा तंग किया लाइट कि भाई आप जरा सा दिल दुखी हैं, दिल तोड़े, मैं मजाक से पर्सनल में है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बिल्कुल, और मुझे और मौका दे रहे, मैं और मस्ती करूं। अच्छा दिल तो नहीं किसी ने तोड़ा, रशीदा, रजिया, सुल्ताना, सबके नाम आप किसी, कोई भी नहीं, नाम ना ले, नाम नहीं, अच्छा है इसका मतलब, इसका मतलब है कोई ना। अच्छा काशिफ साहब, ये तो मैंने उनको ऐसी तंग कर दी, तो यूज टू हो चुके हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगी कि कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? ये शौकिया सिंगिंग तकरीबन 10 साल हो गए, और ऐसा यूं समझे कि नाथानी से स्टार्ट किया। अरे वाह, और नाथानी से स्टार्ट करते करते फिर भी इतना ज्यादा, आपको पता है इतना रश है जिंदगी में, टाइम नहीं मिल पाया कि प्रोफेशनली जो है वो इन हुआ जाए। अच्छा कभी कभी मुझे लगता है काशिफ साहब, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो सिंगिंग करते हैं स्ट्रेसफुल इतना हो जाते हैं, तो जब हम ये सॉन्ग सुनते हैं, और ये कल भी मैं इंट्रो में कह रही थी कि हम लोग बुनियादी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा वो है, एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, लाइक बिजली, गैस, पानी, गंदगी, इन तमाम उस ट्रांसपोर्ट का जो सफोकेशन हो गई है, लाइक कि हम लोग इससे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और देन जब हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है तो हम लोग पुराने गाने या जो लोग ज़रा मौसीकी को पसंद करते हैं तो उनकी तरफ चले जाते हैं, तो हम भी चले जाएं, थोड़ा एग्जॉस्ट तो नहीं हो गए हम लोग? असल में मेरी बातों से जो हालात जो है वो इस वक्त तकरीबन सारी दुनिया में ही कोविड के बाद से जो पोस्ट पेंडेमिक इम्पैक्ट आया हुआ है, तो उसकी वजह से दुनिया में तकरीबन हर जगह ही इकोनॉमिकली जो है, फाइनेंशियली जो है, हालात बहुत इस वक्त दिगरगू हैं। सो वक्त ये है कि ऐसे वक्त में स्मार्टली जीना है। स्मार्टली जीने से क्या मुराद है? स्मार्टली जीने से मुराद ये, मैं अपने नाज़रीन के लिए यह कहना चाहूँगा कि देखिए चैलेंजेस तो हैं, फर्ज कीजिए आपको तैरना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, और आप दरिया में गिर गए, तो अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप चीज़ों को बुरा भला कहते हुए डूब के मर जाएं, या फिर आप दूसरे कोने में जाने की एक कोशिश कर लें। सो आई ऑलवेज प्रेफर इन माय लाइफ, मैं प्रेफर जो सेकंड ऑप्शन को करता हूँ कि एक कोशिश हर चीज़ की करनी चाहिए। अच्छे बुरे हालात, अगर ज़िंदगी सिर्फ मज़े का नाम हो, अगर ज़िंदगी सिर्फ इन्जॉयमेंट का नाम हो और खुशी का नाम हो, तो ठीक है, ज़िंदगी तब है, आपको खुशी का एहसास भी तब होगा जब आपको गम का जो एक फीलिंग है वो आपको उसका आइडिया होगा। मेरा फेवर कर लिया फिर वो मुझे यहाँ से गाना याद आ रहा है, कहते हैं कि फनकारों की कोई सरहद नहीं होती, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द भांजेंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे तुझसे नहीं नाराज। अच्छा जी हमारे साथ गुलाम अब्बास फ्रॉम रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? गुलाम भाई सबसे आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, वैसे मैं बार बार आपको ईद मुबारक तो वैसे कह चुकी हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और तमाम आपके मेहमानों को,
और सबसे बड़ी बात है आज मैंने गर्मी के बारे में बताना था कि कराची में भी बहुत गर्मी है, बहुत सभी लोग गर्मी के बारे में बातें कर रहे हैं। अभी मेरे साथ मेरे कोलीग बैठे हुए हैं, वो भी मुझे कह रहे हैं कि आप सबसे पहले सभी बाजी से गर्मी के बारे में बताएं, और खास तौर पे जो लोड शेडिंग हो रही है जी जी जी, जिससे अब हम बहुत परेशान है, तो आपके चैनल से तो आप सबसे वापटा वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ गरीब बंदों का, मजदूरों वर्कर्स का ख्याल करें और इनको लाइट दें कम अज कम। हालात बहुत खराब हैं, तो मेहरबानी होगी इनकी, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वापटा वाले भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कुछ रहम करें इस आवाम पर। और बाकी तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला व्यवस्था रहे शजर से। गुलाम भाई आपको ना वो एक छोटा सा, मैं 30 सेकंड में एक छोटा सा जोक है, उसके बाद आपने गाना सुनाना है कि हम लोग पता पाकिस्तानी क्या हो गए। वो किसी ने पूछा हाथ दिखा के कि भाई बताओ मेरी जिंदगी कब मतलब होगी, उसने कहा 10 साल लगेंगे, 20 साल लगे, उसने बोला उसके तू यूज्ड टू हो जाएगा, हम यूज्ड टू हो चुके हैं। बोला मेरी किस्मत उसके बाद तू यूज्ड टू हो जाएगा, तो हम लोग आदि मुजरिम हो चुके हैं। अब हमें अपना आज का दिन जो है कल गुजरा है, ईद गदीर हमारे मनाया जाता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मौला अली अलैहि सलाम का वलायत का दिन है, और मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन होता है जब उसने कोई गुनाह ना किया हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे वक्त आएंगे। बहुत प्यारी बात कही है, इसी बात पे खूबसूरत गजल हो जाए। क्या आप सुनाना चाह रहे हैं आज बताएं जरा, ईद के मुनासिबत से सुना दें कुछ, खुशी है तो। ईद की मुनासिबत से तो नहीं है, चलो मैं बाद में एक शेर उसका सुना दूंगा। जी जी सुनाइए। मैं आज वो मैडम का और मेहंदी हसन साहब, बेशक बेशक जी। आपको भूल जाए हम, वाह जी वाह, आपको भूल जाए हम, कितने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आप तो भूल जाए, काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले, काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले, वो कितना बद नसीब है हम ही जिसे मिला। वाह वाह वाह, क्या बात, ले जाए हम, शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो उनकी कोई खता, आप भूल जाए, इतने यहाँ पे मैं नहीं देख रहा, लगता वो नहीं आए। हाँ उनके ना असल में ईद के बाद वो गाड़ियों का शोरूम है ना, तो उनके वर्कर अभी नहीं आए, तो वो परेशान हो रहे थे, कहते हैं इसलिए मैं उनकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करें, यकीन वो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, ये उन्हीं के लिए मैंने आज गाना गाया। बहुत ही लुकमान भाई माशाल्लाह इनकी एक्टिंग और जो बैठ के रिएक्ट करते हैं मेरे सॉन्ग पे, बहुत शुक्रिया, ये एक फनकार की निशानी होती है, समझता कैसे है। As usual, आपने बहुत अच्छा गाना गाया है, और मेहंदी हसन साहब की ही बात है कि उन्होंने जो भी गाना गाया उसको उन्होंने कम कर दी। तो जब गाने, कभी गानों का जब सुनते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि
वापस हम उसी दौर में चले गए, क्योंकि एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं और इसकी शायरी बहुत गहरी और बहुत मीनिंगफुल है। गुलाम भाई इसी बात पे एक और हो जाए, नुमन भाई एक और हो जाए गुलाम साहब एक और एक गाना और चले, आप बताएं किसका गाना गाऊं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है। अच्छा चले मैडम ही का एक छोटा, जी जी सुनाइए। दिल दा जानी हाय में हूँ डर गया, लाख के रूम तोड़ गया चेहरे मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जानी, मुड़ के भी नहीं तकता जेड़ा रहिंदा सी, नाल मरांगा ते रोज जेड़ा कहिंदा सी, आए नी हुण मुकर गया जे लाके नहीं तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिल दा जा। वाह वाह गुलाम भाई, वाह भाई बस बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। दिल से शुरू किया मैं समझा। अच्छा शेर सुनाने चाह रहे थे आप कुछ ईद के मुतालिक? ईद के मुतालिक शेर तो नहीं, एक वो हाँ, ईद का दिन है कर मिली है, ईद का दिन है हमको लगा कर मिली है, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये इन्होंने ये देखें लतीफ साहब आपके लिए बड़ा अच्छा, ये जो इन्होंने सुनाया है ना, देखें हर वक्त हर हाल में खुश रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कभी दुखी अच्छा। तो मैं ऐसे कह देती हूँ, आपने जब इन्होंने शुरू किया ना तो एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, दिला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे, कोई प्यार वाले सजना नो गल कहने दे, कोई प्यार वाले सजना नो गल कहने दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे, मुझे ऐसा लगा कि जरा सॉन्ग दिलाए बिना तू बोल बोल, दिलाए बिना तू डोल बोल प्यार वाले बोल, दिलाए बिना तू डोल बोल प्यार वाले बोल, बह जा सजना दे कोल सारे दुखड़े तू खोल, जरा अखियां नू अखियां दे नाल कहने दे, जरा अखियां नू अखियां दे नाल कहने दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे। खुर्शीद तसलाबाद से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपके सामने अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। और कहाँ से कॉल की मेरी प्यारी बहन? मैं फैसलाबाद। फैसलाबाद से प्रोग्राम देख रही है? हाँ जी देख रही हूँ। पसंद आया आपको? हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो फिर आप क्या सुना रही हैं? मैं मैडम नूरजहां का सुना रही हूँ। चलें जी सुनाइए। अल्ले भैया पेपर खोल के लोग बहेंगे ना, अल्लाह ही खैर करे। इसी बात पे मुझे पानी शानी पिला दो जालमो, किसी कसम खुदा की, ये तो क्या हाल हो गया, मुझे प्यास बहुत शदीद लग रही, गर्मी बहुत है। जी जी। आपने पेपर जो खोले खुदा की कसम मेरी बहन यहाँ पर आवाज आ रही है खरपड़ खरपड़। चले सही है, सुनो। चले जी सुनाइए।
यूना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए हम से पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। थैंक यू सो मच वादी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। कुछ और एक और सुनाने? अच्छा हाँ जी हाँ जी। मैं अल्लाह हाफिज कह रही हूँ, और मेरी बहन एक और सुनाएगी। चलिए जी, एक और सुनाइए। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल लगाना मैं भूल गई वे मुंडिया सियाल कोटिया, वे मुंडिया सियाल कोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, चिट्टी दूध चाननी हो, चिट्टी दूध चाननी तेरुते बहार दी नदी साढ़े प्यार वाली हो, नदी साढ़े प्यार वाली ठाठा पे मार छेती छेतिया, छेती छेती आगा चन्ना दोवें पे खिलवे, छेती छेती आगा चन्ना दोवें पे खिलवे, वे मुंडिया से आल कोटिया, वे मुंडिया से आल कोटिया। वाह मेरी जान, बहुत जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, अभी परवेज साहब होते ना आपको बहुत अप्रिशिएट करते, लेकिन ये सब भी बड़े एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं परवेज साहब। हाँ जी, वो ना फिल्म का भी बताते ये कब फिल्म बनी और किसने गाया। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपको शौक है गाना गाने का? जी जी मुझे शौक है, तो इसलिए मैं पिछले हफ्ते इंतजार के प्राप्त था, वो रिपीट चल रहा था। हाँ वो ईद की वजह से भाई ना, हम ईद पर भी घर पे ना रहे, अल्लाह तौबा तो। हाँ वो वेनिसडे को तो नहीं मैं थी, लेकिन अब इंशाल्लाह एवरी वेनिसडे आप हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत आप भी हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, एवरी वेनिसडे सिंगिंग का प्रोग्राम होगा, आप सिंगिंग अपने हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। असल में आपके दम से ये जो हमारे जो कॉलर्स हैं इनके दम से इस प्रोग्राम की रौनक है। आप यकीन मानिए कि मेरा शौक अब कहीं पीछे रह गया है, ये जो आपकी मोहब्बत है, वो मुझे यहाँ हर वीकेंड पे, हर इस वेनेसडे को यहाँ पर खींच के ले आते हैं। मैं खुशफहमी में शिकार हूँ कि मेरी वजह से आ रहे हैं हनुमान भाई। चले जी आज हो जाए, हनुमान भाई कुछ पेश करते हैं जी। अच्छा जी, तो आज एक थोड़ा सा पुराना सॉन्ग, लेकिन वो मैं पहले उसके लिरिक्स तो बताएंगे, जो आजकल की महंगाई है उसके हिसाब से। फिल्म पता नहीं, अब वो तो वही नहीं, तो वो बताने वाला चला गया, अभी आएंगे अगले बुध को। मना कर रहा हूँ भाई, रिश्ता नहीं लगेगा। परवेज साहब मैं बहुत ज्यादा मिस करेगी आपको। चले जी, आज भाई इको का बहुत ध्यान रख लीजिए। हाँ जी, आज यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। ओहो, मॉनिटर खोल देंगे? जी जी जी, हो जाएगा, आप प्ले करिए। ये कर दी मैं प्ले। चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा,
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएगी सारी सोच बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी न जाके पहाड़ों पे गीत गान करेंगे, सर्दी में छुप कर लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे। आएगी जब बहारों की फूलों की माला बुनेंगे, जाके पायल सुनेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। तनख्वाह में जब लेके आऊंगा हाथों में तेरे ही दूंगा, जब खर्च होंगे वो पैसे मैं तुझसे झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा होगा तू मुझसे कुछ देर रूठेगी, सोचेगी जब अपने दिल में तू मुस्कुरा के बढ़ेगी।
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। और जी हमारे साथ नुमान साहब, बहुत बेहतरीन सॉन्ग, पाकिस्तानी मूवी का सोना चांदी न कोई महल, शबनम नदी पिक्चराइज की हुई खूबसूरत जो हमने वो सॉन्ग सुना। अच्छा जी, हम हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। कौन जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा जी, गोल्ड पर उसके लिए मेरी प्यारी बहन बहुत जी। कोई बात नहीं है, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक निदा, फ्रॉम लाहौर से। निदा मैं बिल्कुल A1 हूँ, A1। अच्छा लग रहा है, और आप बहुत अच्छी माशाल्लाह से लग रही हो, नीले नीले लिबास में, और बहुत प्यारी लग रही हो, परी सी लग रही हो आप। और जितने भी इधर बैठे हैं सबको मेरा सलाम। मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा गाया आपने, और बहुत बहुत प्यारा गाना ये। आप क्या रही हैं वो बताइए। मैं पहले तो आज आपको इंडियन सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, जो मुझे इतना दिल से अच्छा लगता है। सुनाए 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 सुनाए, कोई बात चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन स्वदेश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन स्वदेश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन स्वदेश जहाँ तुम चले गए। एक आ भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। इस बात का है ये गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। निदा निदा मैं रो पड़ूंगी ना, मुझे निदा प्लीज और कोई और गाना प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी। असल में मुझे ना अम्मी याद आ जाती है। मुझे मेरे बेटे के लिए मैं गाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के इस दुनिया से चला गया, अभी तो मैंने कहा ना मेरी अम्मी भी चली गई, तो मुझे फौरन मेरा सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो मैं चाहूंगी सब, मुझे रोना आ जाता है। असल में हम नहीं चाहते कोई, हमने की प्रोग्राम इसीलिए कि आप यादों में खोए, लेकिन तो हम इस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। निदा तुम भी खुश रहो, और दुनिया में हमने आने जाना भी है, ये एक हकीकत है, इसको हम झुठला नहीं सकते। और आप खुश रहो, आप मुझे अच्छे से पंजाबी, अच्छा मैं जब पंजाबी गाना सुन, मैं सच कह रही हूँ, जब याद आते हो चले फिर ठीक है। आज मैं आपको हीर रांझे की पंजाबी पहले सुनाती हूँ। ये बात बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। चलो हो जाए भाई मैदान में, तुसी आ जाओ, आ जाओ जी, फरकाओ जी, आ जाओ जी जी। कदियां मिल रांझन वे, मैं लुक लुक नीर वहां, इत्थे सब मेरे वैरी वे, किन्नू अपना हाल सुनावा। ओ रांझन वे, ओ रांझन वे, मेरी अखियां विच हनेरे, किंज वेखा सुफने तेरे, मेरा होर सवाल न कोई, बस दर्द वंडाल मेरे, मेरा कोई ना दर्दी वे, की कूका की कुरलावा, इत्थे सब मेरे वैरी वे, किन्नू अपना हाल सुनावा। ओ रांझन वे,
साजन रे। निदा निदा वो सुनाओ मुझे, वंजली वाले हैं किसी का वंजली वाले आपको बहुत मुझे बहुत गल ना बलरिए मेरी मंजली दी तुमे तान तुमे मेरा दीन ईमान तेतों वादियां जिंद जान नैना बलरिए मिया गल पुली ना वाह 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 तेरा बड़ा मजा आया यकीन करो बहुत जबरदस्त एक और मेरी जान एक और फरका दो जी एक और जल्दी से फरका दो राम दे नल मोड़ा हानी लगने शाला नजर न लगे एने सोने सजने शाला नजर न लगे एने सोने सजने रांझन के महिवाल कवां में ढोलन कवां के मिर्जा वे सारे ना तेरे तां बन दे जे कह दिया साईं सिर दावे असी ते अजलों सजना दोवें एक दूजे दे लगने शाला नजर ना लगे बहुत शुक्रिया निदा मेरी जान और भी बहुत सारे कॉलेज है मेरे साथ बहुत शुक्रिया चार गाने सुना लिए मेरी जान ऐसे ऐसे करते करते बहुत शुक्रिया लवा से निदा मेरे दिल के करीब है निदा बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू जी अल्लाह लव यू असल में निदा हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स मौजूद होते हैं और जो कि जैसे मैं सिंगिंग कर रहा था तो आप वेट कर रही थी जो आप सिंगिंग कर रही थी कुछ और लोग वेट कर रहे हैं इस वक्त और लोग कितना बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा डोंट टेक इट चले जी हम चलते काशिफ सिद्दीकी साहब कौन सा सॉन्ग सुना रहे पहले मुझे लिरिक्स बताएं क्या थे क्या गाना सुना रहे जाने तो बनना जाने वाजी वाह चले जी आगाज कीजिए इसके ऊपर एक ऐसे ही सुना अच्छा ऐसे ही सुना ऐसे ही सुना ऐसे ही सुना जाने तुम ना अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का एक लम्हा इवहे तुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार अमर मूवी का कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना है ना अभिजीत देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा ये भीगी जुल्फे तेरी जैसे गगन में घटा ये बेकी आंखें तेरी
जैसे चमन बेघटा, तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा। लिखा जो चेहरा तेरा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, क्या भाई साहब कौन है बात करेंगे? हेलो, गाना जबान पे एकदम चढ़ गया आपने, इतना अच्छा गाना, ये कोई 20-24 साल पुराना गाना है। अच्छा हमारे साथ कौन है जी, आवाज आपकी यहाँ से कम आ रही थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। निशान भाई आपकी आवाज जरा कम आ रही है मुझे, जरा आपका फोन में कोई प्रॉब्लम हो रही है। नहीं आ रही, पहली दफा बोल रहा हूँ ना, तकरीबन 1.5 महीने का बाद। चले चले अभी अब अच्छी हो गई। क्यों दूर दूर रहने हो हुजूर मेरे कोलो, मैनु दस दे होया की कसूर मेरे कोलो। जी जनाब। और सुना सभी आपकी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। जिशान भाई कैसे आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। मुबारक। तो नुमान भाई अच्छा गुण कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, ये चार चांद लगाया इन्होंने माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो रोशनी तो बढ़ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले इसी बात पे क्या पेश कर रहे हैं आज, मुझे बताएं, सुनाएं गाना, क्या सुना रहे हैं आप? ही मैं गाना सुनाता हूँ, लतीफ राणा साहब और दुखी साहब, क्या हाल चाल। चले फैमिली बन गए, दुखी साहब, दुखी हो गए, दुखी साहब जी ना करे बुरी बात है, कितने तो चुरानी भी बोलो, चलो सुनाए ना गाना। चलो अभी मैं सुनाता हूँ, उर्दू पंजाबी कौन सा हो आज आप बताएं, वैसे ही सुनाऊंगा। नहीं नहीं आपको जैसा अच्छा लग रहा है यही वाला सुना दो, क्यों दूर दूर रहते हो हुजूर मेरे कोलो, आता है तो सुना दे। ना 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 आए तो फिर याद करके सुनाऊंगा अगले हफ्ते। जो अच्छे से याद जो आपको अच्छा, इसीलिए तो आपको कहा है जो आपको अच्छा लगे परफॉर्म। नुमान भाई सुने सुने, नुमान भाई आपके लिए। हाँ चलो भाई फिर हम कान बंद कर लेते हैं। नुमान भाई को लर जनाब नवाज़िश का भी छामा में जेड़े ਸਵਾਣਾ ਚਵਾਵੇ ਉਹ ਵੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੰਘਿਆ ਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈਆਂ आ जावे माही शाम पै गया हो तेरे ख्यालों विच डुबी डुबी रहा इन दिया गले ने नो न कहनिया तेरे ख्यालों विच डुबी डुबी रहनिया इन दिया गले ने किसे नो न कहनिया कहन वास्ते मंगदी मैं रोज दुआवां आ जावे माही शाम पै गया है आ जावे माही शाम पै गया। वाह जिशान भाई आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त जबरदस्त। और कुछ सुनाना है या फिर हम अल्लाह हाफिज करे? नहीं नहीं आप ही सुनाता हूँ, मेरी हाजिरी तकरीबन 1 माह और 17 दिन बाद काल में। अरे लो गिनती क्या हो गई, आप गिन गिन के दिन गुजारे हैं, ये आपकी मोहब्बत है जिशान भाई। शादीशुदा लोगों का सुना था। मेरे प्रोग्राम की इतनी वैल्यूज है, बकायदा उन्होंने 17 दिन काउंट। खैर कॉल उनकी लंबी जाएगी, पहले मुझसे गाना सुन ले फिर मैं आपको एक बात। अच्छा हाँ जी जिशान भाई सेकंड कौन सा गाना सुना रहे, कोई माइये शाइये सुना दे, टप्पे शप्पे सुना दे। आपको टप्पे टप्पे सुनाने हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है, मेरे अंगने में। नहीं नहीं जिशान भाई नहीं, आपने ये अच्छा नहीं लग रहा। अताउल्लाह साहब का सुनाइए, कोई मेहंदी हसन साहब का सुनाइए, अच्छा सा सुनाइए ना, मरा क्या लिख के मैं पाड़ चलिया कुंडी खोला
निशान भाई आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। अच्छा, चिट्टा चोला सुना है आपके मुंह से, बहुत प्यारा लगेगा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, अब दर्जी का ये सुना है। नहीं दुलेंदा ढोले भी मरी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी, दुलेंदा ढोले भी मरी, चिट्टा चोला मैं सब रखता, के तंडाला मैं तेरी टांग रखता, दर्दी नहीं बुलेंदा ढोले दर्दी, चोला माया माया असली जीवन नहीं मिलाया, चोला तीर दर्दी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्दी। जबरदस्त, ये हुई नवाज, जबरदस्त, ये मजे का गाना था। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ और ते नहीं फरका, माड़ा है ते माड़ा सही यार, निशान भाई फुल रहे, जो कसर थी वो पूरी हो रही है, ये भी ओ साडा प्यार जो है, क्यों सोने दा क्यों डोले दा, गिला करा मैं ता लखवारी, तुझे मिला करा तुझे मिला, अच्छा का चुन के यार बनाया, कुछ भी हो सदा प्यार जो है, क्यों क्यों बनेगा, गिला करा मैं तलक वारी, बिस्मिल्लाह करा ओ मारा है ते मारा तैयार जो है। ठीक है सर, आपकी समझ में इजाजत, अपना प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त आवाज माशाल्लाह, रौनक लगा दी हमारे निशान भाई ने। नुमान आप कुछ बता रहे थे, बात नहीं कर रहा, जो महीना 17 दिन गिने, महीना 17 दिन, असल में देखें ये उनकी मोहब्बत है जो हमारे कॉलर्स हमारे प्रोग्राम में, जैसे मैंने शुरू में रौनक इस और फिर वो, क्योंकि देखिए मैंने कहा मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और हर इंसान के अंदर एक सिंगर मौजूद है, वो भले कैसा भी हो, परफॉर्म अभी परफॉर्मेंस की बात, मैं समझ रही हूँ, सिंगर की बात छोड़े ना, मैं समझती हूँ सारी बातें। अच्छा, इसी बात पे हम जरा दुखी, सॉरी वो लतीफ़ राना साहब के पास चलते हैं, तो जरा सा लिरिक्स बताए सुना रहे पहले उसकी, जरा दुनिया हंसी है बात नहीं है तो गाने गाते फिर वही बात है, बात है ये, चले जी माइक पर, वो ना बोल रहा नहीं, वो उसको पकड़ लेना अच्छा लगेगा और मजीद, चले जी। मोहब्बत के दम से, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के दम से, मोहब्बत अंधेरे में नूर सहर है, मोहब्बत अंधेरे में नूर सहर है, मोहब्बत से दुनिया बहारे नजर है, नजारा नजारा बहिश्ते भरी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के दम से, मोहब्बत अंधेरे में नूरे सहर है, मोहब्बत अंधेरे में नूरे सहर है, मोहब्बत दुनिया बहारे नजर है, नजारा नजारा बहिश्ते भरी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के दम से, वो शोला ही क्या जो भड़कना ना जाने,
वो शोला ही क्या जो भड़कना न जाने, वो दिल दिल नहीं जो तड़पना न जाने, मोहब्बत से ही जिंदगी का यकीन है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के दम से मोहब्बत का वादा वफा करने वालों, मोहब्बत का वादा वफा करने वालों, नमाज मोहब्बत अदा करने वालों, मोहब्बत ही दुनिया मोहब्बत ही दी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के दम से। लतीफ राणा साहब आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। देखिए उन्होंने इस सॉन्ग में फ्रेंड भी कर लिया, बताया है कि क्यों दुखी है वो ये सब इस सर छोड़े हैं, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी काशिफ साहब अब आप खुल नहीं रहे, अब आप इसके बाद ब्रेक में लेने जा रही हूँ, उसके बाद आपको भी कुछ अच्छा और मजीद जरा एनर्जेटिक जी राजे आप लोग एंजॉय करें मेरे छोटी से ब्रेक की। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे सामने ही रहना क्योंकि हम आपको लाइवली लेंगे, आप अपने सॉन्ग हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी आवाज हमसे शेयर कर सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। कहते हैं मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सभी और प्रोग्राम है गीतों के रंग सभी के संग ओल्ड इज गोल्ड और हम पुराने पाकिस्तानी मूवीज और फिल्मों के जिक्र करते हैं और गाने आपके सदाबहार गीतों का खजाना हम आपके साथ बिखेरते हैं और आप हमें लाइवली कॉल करते हैं और अपने सॉन्ग हमसे शेयर करते हैं। अच्छा वो लोग बड़े महजूज होते हैं जिनकी एज अबव द 40 and 45 से अबव होती है, वो बड़ा ही महजूज होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा जो है अपने बिजनेस और कामों में लगा दिया, लेकिन बहुत सारे जो जवानी के दोस्तों के साथ उनका बैठना था, वहीद मुराद शाहिद की मूवीज देखने जाते थे, बेल बॉटम का जमाना था और वहीद मुराद का स्टाइल था और ये तमाम कुछ लोग बड़े पसंद करते हैं, कुछ लोग पंजाबी में जी जी बेल बॉटम वाला जमाना है वो तो शायद 40 साल सईदुद्दीन साहब के जमाने में भी। अच्छा हमारे साथ से जो गेस्ट रखते हैं लाइव कॉल पे हम लोगों को जो गाना वगैरह सुनाते हैं तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। इसी तरह कराची से हुए पीसीएस में उनकी रिहाइश है और आज वो हमारे साथ हमारे जब मेहमान या तशरीफ लाए और वो सॉन्ग भी सुनाएंगे, ऑफ कोर्स वो सिंगिंग करते हैं तो हमने उनको इनवाइट किया शो में। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर इमरान एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे इमरान माइक में मेरे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आज लाइवली आप पहले वहाँ देखते थे आज यहाँ देख रहे हैं। बस ठीक है, वो जहाँ अच्छा लग रहा है वहीं पे देख रहे हैं हम लोग, जहाँ अच्छा लग रहा है यहाँ देख रहे हैं हम। नहीं नहीं मतलब जब आप घर पे थे तो आप घर पर थे तो आप वहाँ देखते थे, आज हाँ। कितना एक हो गया ना सरप्राइज। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली मेरे लिए यूं है कि एक प्रोग्राम जो हम बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे और कॉलर के थ्रू हम वहाँ पे बात थे, कुछ छोटे मोटे गाने भी जो है गुनगुनाते थे और आज हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ बेहतर। वीनस का और सभी का ये एग्जैक्टली क्रेडिट पूरा बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट, उनको हम भूल जाते हैं हमेशा, वो बहुत शिकवा रहेगा। अर्श भाई हमारे साथ जो असल में एक्चुअली उनकी एक कावेश है कि देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीन पे लिखा आ रहा होता है कि आप रابطہ कीजिए और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमसे रابطہ कीजिए। आप अगर हमसे रابطہ करेंगे और आप वाकई इफ़ यू वांट टू परफॉर्म और अगर आप कराची में मौजूद हैं तो आप रابطہ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा।
अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो फॉर श्योर यू विल गेट द चांस। ये आपको कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा वीनस पे, और वीनस पे भी सभी और अर्श आपके लिए खास तौर पे। अच्छा, ये इमरान आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में कोई ऐसी? मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और ढूंढने ढुनाने में। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी ढूंढने घुमाने में रास्ते की? अच्छा सर, मुझे पहले बता दे, इन्हीं पत्थरों पर आओ तो आओ मेरे घर के रास्ते में, कोई कहकशां नहीं है सर जी। अच्छा जी, हम गाना सुन लेते हैं। अच्छा मैं कहती हूँ इमरान साहब आ गए हैं, जब तक काशिफ साहब चाय पी रहे हैं तो हम इमरान साहब से गाना सुन लेते हैं। जी जी जरूर। चलें जी, प्ले कीजिए और देखें ये आज म्यूजिक के ऊपर ये आप सॉन्ग सुनेंगे, अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, क्या बात है। और ये जेबा और वहीद मुराद पर पिक्चराइज किया गया ये सॉन्ग है, जबरदस्त। ठीक है, चलें जी। ये पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म अरमान का गाना और मोस्ट फेवरेट, मेरा बहुत पसंदीदा है। आप किसको वैसे कहते हैं अकेले ना जाना, मेरे साथ जाना? दो तीन लोगों को कहता हूँ लेकिन वो यकीन नहीं करते कोई। मैं कोशिश तो अपनी पूरी करता हूँ लेकिन कोई यकीन कर लेता है और कोई नहीं करता, लेकिन जाहिर है कि कोशिश करके कुछ हासिल होता है। नहीं, मैंने कहा अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तो, बस वो अब कह के तो मैं रह जाता हूँ। कुछ लोग छोड़ के चले जाते, कुछ लोग ठहर जाते, कहते यार रुक जाओ कहीं, बहुत जज्बाती आदमी है, कुछ छोड़ने बैठे। प्ले कीजिएगा, वो गाना लगा दिया। मैंने प्ले कर दिया, प्ले कर दिया। हाँ जी, अच्छा यहाँ से मान ने प्ले कर दिया, आवाज यहाँ पे स्टूडियो चेक कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास। यानी इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वहीद मुराद साहब के मैंने अभी, मैं कुछ प्रोग्राम में ऐसे हिस्सा लिया मैंने आर्ट्स काउंसिल में, तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आए कि मतलब मेरी एज के तो नहीं, लाजमी बात है कि वो अबव 60s में मौजूद थे, और उनमें बहुत सारे मैंने उसमें लोग देखे जो इस एरा में भी वहीद मुराद बने बैठे हुए हैं। मतलब लुकिंग वाइज चेहरे पर उनके बहुत सारे दाढ़ी भी है लेकिन उनका हेयर स्टाइल वो वहीद मुराद का बना हुआ है, वो कपड़े उस तरह से, और बाज़ों को तो मैंने यकीन करें कि वो जो जैसे एक मखसूस अंदाज से वहीद साहब यूँ चला करते थे वो वैसे चल रहा हूँ मैं हैरान हूँ। मुझे यकीन करें, मुझे खुशी कहीं ज़्यादा हुई है देखकर, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी उस एरा का नहीं हूँ। मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने वाले न भुला सकूंगा तुझको, मुझे याद आने वाले मुझे छोड़ कर अकेला, करूं तुझसे क्या शिकायत के बुरी है मेरी किस्मत, तुझे देता हूँ दुआएं मेरा दिल दुखाने वाले मुझे छोड़ कर अकेला, ये कहाँ की दोस्ती है जो ये दाग दे गई है, तुझे क्या मिला है आखिर मुझे आजमाने वाले मुझे छोड़ कर अकेला, करूं तुझसे क्या शिकायत के बुरी है मेरी किस्मत, तुझे क्या मिला है आखिर मेरा दिल दुखाने वाले मुझे छोड़ कर अकेला। इस माइक में इको नहीं था कि आवाज उसमें आती, मैं इंतजार ही करती थी अभी होगी अभी होगी। हमारे साथ कॉलेज बात करें, बात करी जा सकते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? कैसे हैं आप? मैं अभी तक तो बिल्कुल, थोड़ी देर बाद कुछ मूड खराब हो जाता है।
हेलो, आपका नाम मेरी प्यारी बहन? भाई मेरा नाम बशीर है। अच्छा जी, सॉरी मैं नहीं, आवाज सही आ रही ना, हमें क्या पता, आप बताएं अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बशीर। अच्छा, कहाँ से कॉल की? हम मुल्तान से बात कर रहे हैं। अरे जी वाह मुल्तान, क्या सुनाएंगे आप? हम आपको इश्क मुर्शिद गाने का गाना सुनाइए। ओएसटी सुनाइए। जाने तमन्ना जाने रात जैसा है सोचा वही सूरज की किरणों का है चेहरा देखा है तुमसा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा मैं ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यारे अमल तू क्या है तू कदमों में सर रख जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूँ तेरा मेरा है प्यार प्यार है क्या। अभी आपने सुनाया तो मुझे लग रहा ये। अच्छा जी, आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? बस अच्छा जी, इसी को आपने बच्चे ने जो सुनाया था। अच्छा, और ये सुना चुके हैं। जो भी सॉन्ग गाए ना तो उसको जरा खुल के गाए। मौसीकी की जो असल मजा है ना वो है कि उसको खुल के गाए। तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या गर मांगे तू ये जान नजर कर दूं मेरा है प्यार। चले, उसने बुद्धिस्ट बहुत अच्छी कोशिश की और बड़ी शौक से गाया। असल में अच्छा जी, जो हमारे पास थोड़ा सा एक्सपोजर, हम चाहते हैं कि देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हेडलाइन नहीं मिलती है तो लोग अपना अपना फन खुल के नहीं। असल में ये अहमद ने बहुत जबरदस्त सॉन्ग ये सुनाया और इससे हम ये कहेंगे हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज है अहमद जाजिब साहब। और मैं आगे चलते हैं, हमारे साथ ऑफ कोर्स काशिफ साहब है। हमारे साथ कौन है? रुखसाना जी। मैं रुखसाना कराची से। रुखसाना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी जी वो मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। काजी साहब की आवाज बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से गाने सुनाते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी मैं देख रही हूँ और मैं आपको एक सॉन्ग सुना दूँ, गाना सुना। चले जी, चले सुनाइए। अच्छा आवाज खोलिएगा, स्पीकर थोड़ा कम आवाज आ रही है स्टूडियो। अच्छा एक मिनट देखते हैं। आप गए जी, 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 जी। ये दिल तुम दिल तुम लगता नहीं हम क्या करें तुम्हें कह दो है जान मेरे वफा हम क्या बात करें ये दिल तुम दिल तुम हम क्या करें तुम्हें कह दो अब जाने मोहब्बत तो ले लेकिन मोहब्बत मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत ये दिल तुम कहीं लगता नहीं अब क्या करें तुम्हें कह दो अब है जाने अदा हम क्या करें तसव्वुर में कोई जचता नहीं अब क्या करें तुम्हें कह दो
अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। क्या बात, वाह 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 वाह। और कोई गाना सुनाना चाहेंगी आप? मेरे ख्याल में वो जा चुकी है। जा चुकी है नुमान साहब, वो अजर में डिस्ट्रप्शन भी बहुत होता है और फिर वही बात है, जरा सा थोड़ा मजा खराब हो जाता है कि वो, उसका भी मुझे दुख होता है कि उसकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है, वो बेचारी गाए जा रही है। लेट्स सी काशिफ साहब, क्या सुनना है आज? आपसे कोई गाना सुनना है आज? आज आप माइंड मेकअप कर लें, प्रोग्राम एंड होने से पहले आज बता आप हमें। तो अच्छा वैसे ऑर्डर दे देती है, ऐसे गाना लग जाती हूं और कुछ बोलते तो वो मेरी एक, मैं अपना ही नहीं, क्या हो गया? आज हम आपके साथ देंगे, आज आज एक सॉन्ग सोच लें आप और आज गाएंगे मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरसमत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कब कब करी ना, कब कब करी ना, कोको करीना, कोको करीना, काहे कल खुद वक्त कहाँ ले जाए, वे घबराऊं देख उसको वो मुझसे शर्माए, हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख उसको वो मुझसे शर्माए, मैं बेचूंगा दिल पर तुमने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, यता पता मालूम नहीं, कोको करीना, कोको करीना, कोको करीना, कोको करीना, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कहे जिस पर पहन, झीली सी गहरी आंखें जिस जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती हैं जिस पर पहरा, तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, यता पता मालूम नहीं, कोको करीना, कोको करीना, कोको करीना, कोको करीना। थैंक यू, थैंक यू। हमारे गानों की आप खुशियत देखिए कि जब काशिफ साहब ने गाना शुरू किया तो मुखड़े तक तो जो है वो अकेले ही थे, लेकिन उसके बाद हम सब शामिल हो गए। ये गाने कुछ ऐसा है, गाना ही एग्जैक्टली एनर्जी जो अंदर आ जाती है ना अचानक किसी सॉन्ग से, वो कमी सॉन्ग्स के अंदर ऐसा होता है कि जिसमें एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो जाए, तो वो एक कोको करीना भी एक ऐसा सॉन्ग है कि वो अचानक एक एनर्जी आपके अंदर एनर्जी जो क्रिएट होती है ना, वो कुछ समझ नहीं आता। अच्छा नाजिन, हमारी लाइव भी शो है और आप हमें कॉल कर सकते हैं पीटीसी नंबर मेंशन। हमारे साथ नुमान साहब आ रही हो, अच्छा सा सॉन्ग आपने कौन सा रेडी किया हुआ ये बताइए। थोड़ा सा अब जब फास्ट हो गया है जी, मूड बन गया, तो फिर दौड़ते चले जाएं, दौड़ते चले। तो आज हम सुनाते हैं जी हवा हवा ए हवा। चलो गर्मी तो कम हो गया, हवा नहीं कुछ और सुना है, नहीं हवा नहीं, अगर नहीं नहीं कुछ और सुना है और क्या सुना है, कुछ दूसरा निकाले हम, जब तक हम लोग नाज़रीन से बात करते हैं। नाज़रीन हम लाइवली जो कॉल करना चाहे और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन रहे, एंजॉय करें जिंदगी की यादों में खूबसूरत, ये जिंदगी की वो चलती रहती है रवानी, दुख भी चलते हैं सुख भी चलते हैं, तो कोई चीज भी कंटिन्यू नहीं रहती, ये दुख थोड़ी देर के लिए आते हैं वो भी चले जाते हैं, और सुख भी इसी तरह होते हैं वो भी मुस्तकिल नहीं रहते, इसीलिए आप यूज्ड टू हो जाएं कि ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है, एक साइकिल है, और सूरज रोजाना निकलता है लेकिन फिर गुरूब हो जाता है, अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। लेट्स सी देखते हैं नुमान इतनी देर में क्या रेडी कर चुके हैं। यस जनाब, जैसा कोई मेरी जिंदगी, ये बात हुई ना, नाज़ी हसन याद आ रहा है, मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है, हर्ष भाई, हर्ष भाई आज मुझसे नाराज रखे।
आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। भूल को बहा बहा को चमन, दिल को दिल बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए तो बन जाए, हाँ आप बन जाए। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए वो बात बन जाए, बन जाए। जाओ कहीं तन्हा संभलेगा, प्यार बिना अटकेगा, ऐसा कहा है दिल आपको ही पाए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। हाँ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, उनके गाने बहुत सारे ना सिर्फ अभी बल्कि बहुत सारी मूवीज इंडियन मूवीज के बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स के ऊपर पिक्चराइज किया गया, उन्होंने परफॉर्म किया इसके ऊपर। हमारे पाकिस्तानी काफ़ी सॉन्ग्स ऐसे जो कॉपी किए जाते हैं और वहाँ पर जो है। अच्छा जी, जोहेब हसन का भी निकाल, जोहेब हसन सुनाए सुनाए सुनाए। आए ले ले, दिल मेरे चल रहे, चलती रहती है, रुकती नहीं। गाने चले जी, कौन हो जाए डिस्को दीवाने। अच्छा इन्होंने पहली बार नहीं, मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया, देखा जाए तो नुमा क्या पाकिस्तानी फिल्म में भी ये गाना इस्तेमाल हुआ है। हां, डिस्को दीवाने फिल्म संदिल नदीम साहब की फिल्म थी, पिक्चराइज हुआ, बड़ी बात है भाई। इनको भी परवेज साहब की तरह, परवेज भाई की थोड़ी सी रू आ गई है, थोड़ी सी बैठा मैं हूँ या रू आपके पास आ गई। अब वो खरबूजा मौजूद नहीं है ना, लाल रंग है ना। चलो चले, क्या अच्छा चले, आप गाना वो कह रहे ना, गाना मैंने प्ले कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने गाना प्ले कर दिया, वो बात तो उसी तरह करेंगे ना बेध्यानी में। यूज टू नहीं है भैया। चले जी, प्ले द सॉन्ग। आई हैव डन दैट। ओके जी, हर्ष भाई आज मुझसे नाराज है।
डिस्को डिस्को दीवाना। चले जी बाप आ जाए रतीफ राना मैदान में और हमें सुनाए कुछ अच्छा सा सॉन्ग। अकेले डूट गा रहे हो? हाँ जी अकेले डूट गा रहे हैं। चलिए जी सर एक को खोलिएगा लतीफ राना सब गाना कौन सा पहले उसका लिरिक्स बताएं। मुझसा तुझको ऐसे बाल बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह मुझसा तुझको चाहने वाला तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मुझसा तुझको चाहने वाला तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे क्या जाने क्या बन जाती ही हो ऐ मेरी महबूबा। क्या जाने क्या बन जाती ही हो ऐ मेरी महबूबा।
शर्म से जब तुम कह देती हो अल्लाह मेरे तौबा, तुझको यूं शर्माने वाला, तुझको यूं शर्माने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, प्यार की लय पे मेरा चल रह रह के लहराए, प्यार की लय पे मेरा चल रह रह के लहराए, सुबह तेरे चेहरे की रंगत शाम तेरी जुल्फों के साए, हर दम यूं याद आने वाला, हर दम यूं याद आने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझसा तुझको चाहने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वे सब तो सोनिया। अच्छा जी, गाना जन में आ गया, आज स्टार्ट हो गया जी गाना। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, तेरे मुखड़े तो चन शर्मावे, डिग डिग पेंदे तारे वे, डिग डिग पेंदे तारे वे, होन शर्माना तू बिमाज माना, होन शर्माना तू बिमाज माना, मैं तेरी हो गई, प्यार विच हो गई, सोनी सब तो सोनिया, मन 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 तूज मेरे हमेशा कोल रहे, ते में दुनिया नु कैदा परे परे, दिल देके दुनिया तो कौन डरे, दिल देके दुनिया तो कौन डरे, तूज मेरे हमेशा कोल रहे, ते में दुनिया नु कैदा परे परे, दिल देके दुनिया तो कौन डरे, प्यार जिंदगी और कोल की दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गई लगियां ने भाग, मर जांगी तेरे बिना, तूज मेरे हमेशा कोरे, ते में दुनिया के दरे परे, दिल देखे दुनिया तो कौन डरे, दिल दे दूँ ओ आशक तो सोना मुखड़ा लुकाने ले, सजना ने पूरे चिक्के चाने ले, ओ आशक तो सोना मुखड़ा ले, सजना ने पूरे अजी चिक्के चाने ले, चिक्के चाने ले ओ चिक्के चाने ले, सजना ने अग्गे चिक्के चाने ले, ए हो नहीं सजना उसूल प्यार दे, तकना ने सही वास गोल मार दे, गोली मार दे, ओ आजकल सोना मुकड़ा, सजना ने बुए अग्गे चिक्के चाने ले, नहीं पर मैं पंजाबी ज्यादा सुरों में लगी हूं, थोड़ा सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावण आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावण आ गया, इंज लगदा है जे रंजल मीर बनावण आ गया, ओ सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावण आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावण आ गया, दिन रात का
सारी रात रमनी दिन जिंद जान वाली सारी जिंद जान सदके सारी अपवारी तेरे कदमा तो नैना वारे आवे छिपे सपना वे किथे मिलिया वे अज चन तारे नीवे लग देने ऐवें शक्ति उजड़ जोनी मेरा प्यार आ गया मेरी पंजाबी शायरी सही हो नी मेरा मेरे प्यार आ गया सोनी बंजरी सोनी बंजरी दी मिठी नी दी मिठड़ी तान में मिता हो गई कुर्बान वे मिता हो गई कुर्बान वे बंजरी दी ताल बिच रू मेरी बोल दी उम्रा दे कजे होए पेत पे खोल दी पंजरी दी कान विच रू मेरी बोल दी उमरा दे कजे होए पेत पई खोल दी पेत पई खोल दी सड़ी अंजलां दी जान पछाण वे मैं तां हो गई कुर्बान वे मैं तां हो गई कुर्बान दोवे पासे चढ़िए जवानी वाली रुत वे जिन सड़ीक होई पावे दो पुत वे पावे दो पुत वे और मैनू अपने तो वखरी न जान वे मैं तां हो गई अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खतीजा कैसी हैं जी कि मेरी कॉल लग गई है मेरी जान मुल्तान से खतीजा हमारे साथ जी प्रोग्राम देख रही हैं जी अच्छा जी ये जी करने का आपको कोई खास अच्छा लग रहा मुझे क्या सुनाएंगी आप खतीजा जी मेरे ख्यालों पे आई है एक तो वाली थी ना तो शर्मीली थी माँ तो सॉरी ना हो सकता है कल वो मुझको वक्त वहाँ ले जाए मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है उस हसी ख्यालों पे गहरी आंखें जिसकी फूल से जिसका चेहरा काली जिसने नागिन बन के देती है जिसपे पहरा मैंने शायद देखा है तुम कहीं ख्यालों पे है एक सूरत अली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना खतीजा खतीजा जी आप मुझे बताएं आपको कोई जल्दी थी इतना जल्दी जल्दी गाना सुना रही थी या तो आपने गोश्त पाए रखे हुए कुछ पकाने के लिए कि कहीं वो जल ना जाए इतनी जल्दी मेरी जान क्या बात आराम से गाती ना आप दूसरा गाना सुनाएं एक और सॉन्ग कुछ और सुनाना चाहेंगी जी अजी अजी ये जी बड़ा आप बड़ी तुन होके जी कह रही हैं जी गर्मी कसम खुदा की हीट स्ट्रोक मुझे लग रहा है पूरा आपके दिमाग पे आया है चले नेक्स्ट कौन सा गाना सुनाएंगी वो बताइए इश्क मुर्शिद का क्या कह रही है इश्क मुर्शिद आमे का सुनाए चले सुनाए हम कोशिश करते हैं सुनने की जाने तमन्ना जाने अदा जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों का एक चेहरा देखा है तो
हमारा सिंगिंग का प्रोग्राम होता है। अच्छा काशिप साहब ने ऐसी गाने की इब्तिदा की और दूसरा ये कॉलर है जो हमें गाना ये सुना रहे ऐसी आपने लगाई है ना दिल को, वो सब वही गुनगुना रहे हैं। आप देखिए जब गाना दिल से गाते हैं या जब सुनते हैं उसके बाद आपने नोट किया होगा अक्सर हम उसको थोड़ी थोड़ी देर गुनगुना रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए एक रिपीटेशन होती रहती है, तो वो होता है एक्चुअली कुछ ऐसे ऐसे असरअंदाज करने वाली कुछ ऐसी शायरी, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं। जैसे बड़ा ज़बरदस्त गाना ये गाया है अहमद जानदेव साहब ने, क्योंकि इस गाने को वाकई कोई कहीं कहीं सुनने कहीं आवाज़ आ जाए कान में रिपीटेडली थोड़ा सा दुखी दास्तान। कौन सा गाना सुना रहे लतीफ साहब आप मुझे बताइए। कभी तुम भी हमसे थे आशना तुम या कसम से ना रोए ना लोग, आप मेरा नाम ये कम से कम अबव द 15 होंगी ना वो सुने, और 50 जो अबव द मैन होंगे वो भी जरूर सुने। देखिए कितने दुखी हैं इनका अफसोस में शरीक हो। हम भी तुमसे थे आशना तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी हमको तुमसे भी प्यार था तुम्हें याद हो न याद, करो ख्वाब करो याद ख्वाब सा वो सनम मेरे साथ बैठे थे तुम यहाँ, करो याद ख्वाब सा वो समय मेरे साथ बैठे थे तुम यहाँ, लिया हाथ जो मेरा हाथ में गई टूट कांच की चूड़िया, तो गले से मुझको आ लिया तुम्हें याद हो कि न याद। रुमान साहब कॉलर है, प्लीज 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 स्टॉप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका नाम क्या है मेरी बहन। मैं रफिया हाशमी लाहौर से बात कर रही हूँ। अतिया हाशमी लाहौर जी, रफिया अच्छा सॉरी अतिया रफी माजत सॉरी आवाज रफिया जी, अच्छा रफिया जी, रफिया आप प्रोग्राम देख रही हैं तो बस सब लोग करेक्शन कर लो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपको। प्रोग्राम अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा अल्लाह आपके प्रोग्राम को, और लेकिन ये कि थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं करती वीडियो से, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बार दफा देखने में, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा प्रोग्राम देखती हूँ, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है आगे पीछे कोई मसला नहीं। आप गाना सुनाए मुझे अच्छा सा, मैं नोट जहाँ का सुनाऊंगी कोशिश करूंगी गाने की। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को बड़ा कामयाबियां दे, बहुत शुक्रिया, आई लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया। सुनाइए। मैं तो हो गई कुर्बान, मैं तो हो गई कुर्बान, बंदली बितान भी तेरी मेरी डोल दी, उमरा देती हुई पुत्री खोल दी,
कई खोल दी हूं जमंगली दी मिट्टी तान वे मैं ताहो हो गई कुर्बान वे मैं ताहो हो गई कुर्बान वे बस बस खत्म हाँ जी कुछ और तो नहीं सुनाना शहजादी हाँ जी कुछ और सुनाना शहजादी हाँ जी मैंने ये कह रहा है कि अगर मुझे आपसे मतलब अगर कोई और रब्ता हो सके या कोई कॉन्टेक्ट होगा तो मुझसे आप म्यूजिक शो में या कुछ ऐसे हाँ हाँ शहजादी आप जब भी देखे कराची आए आप हमारे ये आज देखे ना इमरान साहब आए ये भी हमारे कराची कॉलर है तो आप भी अपने कॉलर है हम सबको इनवाइट करते आना चाहे एज अ गेस्ट आपने कोई इशू नहीं है ठीक है इसके अलावा अगर आप कराची ना भी आए तो आप हर बुध के दिन जो आप हाँ भाई साहब कॉल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं नो प्रॉब्लम जैसे आज आपने लाइक दैट ये एवरी वेडनेसडे हमारा सिंगिंग का पुराने पाकिस्तानी मूवीज और फिल्मों का गानों का एक खूबसूरत हम लोग तमाम करते हैं तो पुरानी फिल्मों का तो आप जिस तरह आज आपने नहीं भी सुना आपने और ये कोई कैद नहीं है आप अपना शौक पूरा करें लोगों ने अभी आपने देखा आज ही के प्रोग्राम में लोगों ने चार चार सॉन्ग गाए सो बिल्कुल आपके लिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम आपका हमारे लाइव कॉलर्स का प्रोग्राम थैंक यू सो मच असल में हम लोग बहुत फाइट होती है ना तो हमें इतनी इजाजत नहीं होती तो इसलिए थोड़ा सा बस यही कंफ्यूजन रहती है कि आप एवरी वेडनेसडे हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा ठीक है जी आप एवरी वेडनेसडे बुध वाले दिन आप हमेशा ज्वाइन कीजिए हर बुध के दिन आप 10 से 12 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बहुत शुक्रिया मेरी जान अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच ये इनकी मोहब्बतें हैं और प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं इमरान भी बड़े शौक से देखते थे वो सरप्राइज क्या सुनाए थे कि हम आपको रोज देखते थे फिर आज हम लाइव पहुंच गए और इस गर्मी के दौरान जिस तरह की हीट स्ट्रोक वगैरह चल रही है मैं खुद अभी बड़ी गर्मी से होके आया हूँ और यहाँ पहुँच के मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ एक तो ये कि अपने ड्रीम प्रोग्राम में मैं पहुँच गया हूँ और दूसरी बात यह कि मैं चाहूँगा कि जिस मौसम में गर्मी में चल रही है तो उसमें कोई गाना ऐसा होना चाहिए जो हरे करम बंदे हमारे लिए जो है वो अल्लाह ताला बरसा दे गर्मी को गर्मी से मारेंगे ठंडक से मारेंगे जो अबरे करम के हवाले से फिल्म नसीब अपना अपना का गाना वहीद मुराद साहब पे पिक्चर हुआ है क्या बात है मैं चाहूँगा कि आपको मैं इस हवाले से गुनगुना ट्रैक इसका अवेलेबल नहीं होगा ठीक है मैं थोड़ा सा ये अपने कॉलर्स को मैं बताता चलूं सर इसी सुना है ना टेक्निकली टेक्निकली हम ये एक शेर सुना दे बस एक शेर सुना दे ए अबरे करम आज इतना बरस इतना बरस के वो जा न सके घर आया है एक मेहमान हसी डर है कि चला ना जाए कहीं हम दिल की बात सुना न सके ए अबरे करम आज इतना बरस इतना बरस के वो जा न सके अबरे करम ऐ अबरे करम वाह वाह क्या बात है बड़ा जबरदस्त किस्मत से किसी को मिलती है किस्मत से किसी को मिलती है ये भीगी रात ये तन्हाई फिर क्यों न छुपा ले आमें हम जलवो ये रानाई ये क्या कि जरा सी देर को भी हम उनके नाज उठा न सके ऐ अबरे करम आज इतना बरस इतना बरस के वो जा न सके अबरे करम दिल तो नहीं कर रहा इमरान साहब हम जाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और आवाज रेडी कर दें और काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया लतीफ राना साहब आपका बहुत शुक्रिया और जी नुवान साहब आपका और इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया और नाजीन जितने भी लाइव कॉलर्स जिन्होंने हमें कॉल किया उनका बहुत शुक्रिया और देख शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा हमें दो मिलेगा फिर मिलेंगे उबरते और लास्ट में हमारा गाना है हवा हवा जी नुमान साहब आर यू रेडी सब मिलके ठीक है जी माइक ले लीजिए आप